पिछे पिछे तुरदी आ फेम अजकल आउंदा ए सतारा विच नेम अजकल। सो गुड आफ्टरनून गाइस, बस मैं निकल रहा हूँ तैयार होके। ओहो गाइस, कौन ही बज गई मेरी सीढ़ियों पे जिससे फोन पकड़ा हुआ है कि चलो चलते हैं, देखते हैं आज का सीन क्या होता है। भागे दे बॉर्डर तो, भागे दे बॉर्डर तो, मोरा पुछ दी लहारां दे, पेंड दूर पिछोरां दे, पेंड दूर पिछोरां दे। पूरी फीलिंग आने लगी है गाइस सर्दियों वाली, लेकिन फीलिंग हल्की हल्की थोड़ी गर्मी वाली भी है। जब भी हाई राइडर आती है मेरे को लगता है मेरी वाली हाई राइडर आ गई है। चलो चलिए पढ़ते हैं। जिम करके फ्री हो गए, मीटिंग में करके आ गया था, फिर उसके बाद जिम आ गया। जिम करके बढ़िया, आज चेस्ट डे था एंड सो बढ़िया चेस्ट करी, बढ़िया माहौल था गाइस, बढ़िया कार्डियो करा, बढ़िया स्टीम बाथ ली। कितने दिन हो गए थे स्टीम बाथ नहीं ली थी। बॉडी डिटॉक्स करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि स्टीम बाथ से आपके जो बॉडी की बैड स्मेल जो होती है और जो कुछ भी होता है वो सब सही हो जाता है भाई। मेरे को तो अच्छी लगती है भाई स्टीम बाथ। सोचा था पहले सैलेड खाने जाऊं, बट नहीं, मैं पहले सीधा घर पे जा रहा हूं, वहां पे प्रोटीन पिएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है, क्या प्रोग्राम बनता है। भाई मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, फॉरेनर हमारे जिम में आया तो आई वॉज ट्रेनिंग फॉर शोल्डर्स, तो उसकी मशीन आई वॉज वेटिंग, वो शोल्डर की ये वाला कर रहा था, इसको पता नहीं की कहते हैं गाइस। तो अभी 13 साल हो गए हैं मुझे जिम करते, मुझे ये नहीं पता इसको क्या कहते, इनको की कहते हैं यार, प्रेस एक्सटेंशन नहीं, शोल्डर पता नहीं कुछ कहते होंगे। भाई जी गोरा उतरा, इन्नी ज़्यादा गंदी पसीने की स्मेल, और वो पसीने की स्मेल ऐसी थी जैसे 4-5 दिन कपड़ा ना धोया हो। और सिर्फ वो नहीं भाई, बहुत बंदे आते हैं जिम में जो इतनी स्मेल करते हैं, पता नहीं, सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी, रिपीटेड कपड़े, ठीक है जी, रिपीटेड जैकेट्स, रिपीटेड सब कुछ, रिपीटेड ब्रो। तो भाई उसको सूखने को, उसको धूप लगने को समा तो दो, उसमें से जो बैड स्मेल आ रही है वो तो निकले बाहर, पर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। वैसे शो करेंगे भी ऐसे अमीर बने हैं, वी हैव अ स्टेटस एंड फलाना ये वो, चाहे टूटी जी टी शर्ट पा लो बट बदल के तो पाओ गाइस। इन्ना गंदा सीना हो गोरा, दिल करता चपेड़ मारा दे जाके, इन्नी गंदी स्मेल आ रही थी उतो, इन्नी ज्यादा गंदी स्मेल, और कहने को गोरा की करने इदा दे गोरे चेहरे ते गोरा शरीर जेदे जो स्मेल ही नहीं खत्म हो रही है। दसो बंदा उही वधिया है, बंदा उही खूबसूरत है जो बंदा अपने आप नूं साफ रखता है, चाहे वह गोरा है, चाहे वह सांवला है, चाहे वह काला है, कोई दिक्कत नहीं। सो यार चलो हुण घर चलदे हैं, मिलदे हैं फिर।
गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? रात थोड़ी देर बाहर चले गए थे, थोड़ा बस वैसे ही। मैं कहा चल डिनर वगैरह कर लेने हैं, दोस्तों के नाल ही सी मैं। एंड बढ़िया काम हो गया गाइस, ये देखो ये तुलसी माला है गाइस। इसको मैंने अपने नारियल के तेल में थोड़ा सा डुबो के रखा था ताकि ये कड़क कड़क ना हो, थोड़ा ठीक मतलब बैलेंस ही हो जाए। और बताओ गाइस, क्या नहीं था दिया? खैर बिग बॉस शुरू होने वाला है, देखते हैं इस बार कौन कौन से कंटेस्टेंट आते हैं, क्या आते हैं। लेकिन फाइनली यार सलमान भाई के साथ ही शो जचता है, उनके बिना शो नहीं जचता है। सलमान खान भाई भी अपनी ही गलवा था यार, देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार तो जो थीम है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की है, एंड मेरे को लग रहा है कि इस वाले सीजन में भी लोगों की पोल वगैरह खुलेगी और कंटेस्टेंट भी 100% उसी रिलेटेड होंगे, इनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के रिलेटेड कुछ होगा, बाकी पता नहीं यार। ये तो मैं मेरी अजम्पशन कर रहा हूँ या लगा रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या सीन होता है। देखेंगे क्या मौसम बनता है। और ये बताओ कि रिव्यू दें कि ना दें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि इस बार रहने दें। आप लोग बताओ यार कैसे करना है, मुझे तो कुछ नहीं पता, आप लोग बताएं कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि आप लोग बोलोगे तो अपन दे देंगे, आप लोग नहीं बोलोगे तो अपन रहने देंगे, जैसे आप सब लोग बोलो, समझ रहे हो। सो यार यही सीन है, यही कुछ है, बाकी कोई नहीं, देखते हैं यार क्या होता है इस बार। लेट्स सी, जो होगा अच्छा ही होगा गाइस, जो होगा अच्छा ही होगा गाइस। बाकी तो चलो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।